आपका भाई प्रमोद कुमार, मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं खजौली कन्हौली से हूँ और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टमाटर का पौधा दिखाया हूँ, जो पौधा कुछ दिन पहले मैंने रोपा था। उसके बाद 1 महीना के बाद उसका लंबाई लगभग 2 से 2.5 फीट हुआ था। उसी पौधा को फिर आज मैं दिखाया हूँ, जिसका लंबाई लगभग 5 फीट है और कितने सारे फूल हैं आगे आप वीडियो में देखिएगा। तो दोस्तों, कोई भी सब्जी अगर आप अपने बागवानी में या अपने घर के अगल बगल में लगाते हैं तो वो अलग ही स्वाद उसका होता है। और साथ ही आप जो ये रासायनिक दवा जो कोई सब्जी में देता है उससे बचते हैं और अपने आप को स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो टमाटर आज आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे, उसका जो है लंबाई लगभग 6 साढ़े 6 7 फीट तक जाता है। और उसमें खासियत एक है कि जैसे आप दिखाए हैं आपको आगे वीडियो में कि वो फूल देना शुरू किया है, और फूल देना शुरू किया है तो वो अब आगे फल भी देगा, फूल भी देगा, उसमें से पकता भी रहेगा। माने अभी के बाद जब तक वो पेड़ रहेगा, कुछ दिनों के बाद उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। और जब तक उसमें उसका रहेगा, मान लीजिए लाइफ 6 महीना तक लगभग रहता है, तब तक आपको मार्केट से माने टमाटर नाम का चीज़ खरीदना ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा जो हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, बार बार जो मैं आपको नई नई जानकारी देता रहता हूँ, ताकि आप इस छोटे मोटे मेरे जानकारी से आप भी अपने खेत में या अपने बागवानी में अगर सब्जी लगाते हैं, टमाटर का पौधा लगाते हैं जो आप बहुत दिनों तक खा सकते हैं, और उसमें आपको पैसा का भी बचत होगा और सिर्फ चीज़ आप खाइएगा। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है जो आप क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, आपके सामने की बात रहेगा, आपके सामने का सब्जी रहेगा, आप एकदम निफिक्र होके आप उस पर भरोसा करके ही खाएंगे, ताकि आपके खुद हाथ से उगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बताता रहता हूँ कि जो आपसे होने वाला हो, ये बात मैं नहीं कहता कि जो नहीं होता है वही आप कीजिए, जो आपसे होने वाला है, जो आप खुद खाते हैं उसको कोशिश कीजिए, जो थोड़ा थोड़ा ही करके अपने ही बागवानी में, अपने अगल बगल में, अपने खेत में लगाएं, ताकि आप शुद्ध चीज़ खाएं। और साथ ही ये टमाटर जो है तो हर सब्जी में जो है सो लोग डालते हैं, सलाद में डालते हैं, इसमें एक ही चीज़ बचाना पड़ता है दोस्तों, जो इसको आप पानी से बचा के रखिए। मेरा भी आप टमाटर का पेड़ आगे वीडियो में देखेंगे कि मकान के बगल में लगा हुआ है, ताकि उस पर पानी नहीं पड़े। जो ये थाईलैंड का टमाटर है, थाईलैंड का टमाटर पेड़ है, इसका साइज भी आपको अच्छा होता है, जो मैं दिखाऊंगा आगे। और ये जो है सो पक भी जाता है, तो कम से कम 10 से 15 दिन बिना फ्रिज में रखे हुए 10 से 15 दिन आपको ख़राब नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। और इस पर अगर बरसात का पानी नहीं पड़े तो ये आराम से आपको 6 महीना 7 महीना माने एक अगला बरसात तक आपको माने ये खिलाएगा। हम लोग के यहाँ भी हम लोग के साथ बहुत सारे किसान रोपे हुए थे, लेकिन वो खेत में रोप दिए थे, नतीजा ये हुआ कि उस पर बरसात का पानी पड़ा है, बहुत सारे गाछ डैमेज हो चुके हैं। इसीलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कुछ पेड़ ऐसा लगावें, ताकि आप भी बिना बाज़ार से खरीदे हुए शुद्ध चीज़ अपने घर में खाएं। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, और मेरे बातों पर कुछ भरोसा करके आप लोग एक बार करके तो देखिए। एक बार सिर्फ आप भरोसा करके उसको उगा लीजिएगा तो फिर आप ये नहीं कहिएगा कि आपने क्या बोला था, आपको खुद कमेंट में बताना पड़ेगा जो हाँ सही आपने बताया है। अभी जितना हम लोग बाज़ार से सब्ज़ी खाते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का सब्ज़ी हो, टोटल हम लोग मुझे दवा ही खाते हैं। और आप अपने खेतों में जो उसको उगाइएगा तो आपको ये जानकारी तो रहेगा कि हम सही चीज़ खा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आगे इससे आगे अपने वीडियो को दिखाऊंगा, और वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि कितना लंबा पेड़ है और कितने सारे फूल उस पर अभी आ चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपको अपने वीडियो के तरफ ले चल रहा हूँ। चलिए आगे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये टमाटर का पौधा जो आप देख रहे हैं उसका ऊंचाई लगभग 5 फीट हो चुका है, और आप देखिए इसमें फूल भी पकड़ लिया है, कुछ दिनों में भी इसका फल आएगा। देखिए
देखिए 5 फीट का पौधा हो चुका है। इससे पहले वीडियो में मैं जब लगाया था तब दिखाया था कि 1 महीना के बाद इसका साइज़ जो है तो 1.5 से 2 फीट हुआ था। और अब देखिए मैं नज़दीक से भी आपको दिखा रहा हूँ तो कितना ज़्यादा लंबा हो चुका है और फूल भी बहुत सारे मात्रा में है जो आप देख सकते हैं। इस टमाटर में खासियत है कि जब फल निकलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि कितना फल इससे निकलता है। देखिए कोई भी पौधा, मैं सब पौधा को दिखा रहा हूँ, सबका हाइट कितना हो गया है। ये पौधा जो है फल देने के लिए तैयार हो चुका है। और पौधा में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फूल का कितना फूल निकला है इसमें से। देखिए फूल देखिए कितना निकला हुआ है, हर जगह से फूल निकला हुआ है। और इसमें जो है तो हम कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, जितना भी इसमें डाले हैं 2 बार डाले हैं, वर्मी खाद डाले हैं। अपने यहाँ जो मवेशी है उसका गोबर जो है तो सिर्फ डालते हैं, उसमें भी सूखा हुआ गोबर डालते हैं। कच्चा गोबर डालने से जो है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में फंगी आ जाता है। अभी तक इसमें हम फंगीसाइड से कोई भी चीज़ नहीं छींटे हैं, ना वर्मी में भी, जैविक में भी। अभी कुछ भी मैं इस पेड़ में नहीं किया हूँ अभी तक। और देख लीजिए सिर्फ खाद, वर्मी खाद छोड़ के कुछ नहीं दिया हूँ। और देखते हैं दोस्तों, मकान के बगल में मैं लगा दिया हूँ। और इस पेड़ को एक बात से बचा के रखना पड़ता है कि बरसात का पानी जो है तो नहीं लगे। बरसात का पानी लगने पर यह पेड़ जो है तो सूख जाता है। जी दोस्तों, आप लोगों के पास में भी जगह है अगल बगल में, पानी से सिर्फ ये बचना चाहिए। अगर पानी से बचा के रखिएगा, इसका लाइफ बहुत लंबा होता है और बहुत दिन तक आपको ये टमाटर खिलाएगा। और वैसे एक भी टमाटर का पेड़ अगर आपके पास में है तो आपको कभी भी बाज़ार से टमाटर नहीं खरीदना पड़ेगा, इतना इसमें फल निकलता है कि आप अभी फूल देख रहे हैं। और जितना ये है ना, सब आगे आगे फूल निकलता जाएगा और पीछे से फल बनता जाएगा। कोई पकता रहेगा तो कोई जो है तो उसमें से बतिया निकलता रहेगा, तो कोई पूरा फल बन के तैयार रहेगा। इस ढंग से इस टमाटर में जो है सो है खासियत।
बरसात के चलते इसको मकान के बगल में लगाए हुए हैं ताकि इस पर बरसात का असर ना हो, और बरसात का असर नहीं होता है। और देखते हैं सब में खुट्टा गाड़ करके इसको बांधे हुए हैं। इसमें यही है इस टमाटर के खेती में कि जितना भी पौधा आप रोपिएगा सब में आपको जो है सो कम से कम ये खुट्टा गाड़ के जो है सो आपको बांधना पड़ेगा। कहते हैं इसका हाइट बहुत लंबा होता है, 6 फीट तक इसका हाइट जाएगा। अभी तो कुछ पेड़ कम है हाइट में, और देखिए हर पेड़ में फूल मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसमें फूल का कमी है, देख सकते हैं। इसका हाइट देखिए कितना लंबा हो चुका है, सब में सपोर्ट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सब में सपोर्ट देके बांधे हुए हैं। लगभग 5 फीट से ज़्यादा सबका लंबाई हो चुका है और फल देने के लिए एकदम तैयार है पौधा। और दोस्तों आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।